नमस्कार, मैं रीनू कुमारी, आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। इसी के साथ अब वक्त हो गया उत्तराखंड की बड़ी खबरों का। पहली खबर की ओर चलते बता दें, उत्तराखंड सरकार ने आखिरकार समान नागरिक संहिता विधेयक को विधानसभा में प्रस्तुत कर इसे कानूनी शक्ल देने का रास्ता साफ कर दिया है। ऐसा कर उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन जाएगा जहां समान नागरिक संहिता लागू होगी, यानी हर नागरिक के लिए एक समान कानून होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान घोषणा की थी। उन्होंने सरकार बनने पर इसे प्राथमिकता से लागू करने की बात भी कही थी। दूसरी खबर की ओर चलते बता दें, उत्तराखंड में कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत के खिलाफ बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। उत्तराखंड से लेकर दिल्ली चंडीगढ़ में छापा मारा है। बता दें, तीन राज्यों के 15 से अधिक ठिकानों पर ईडी का तलाशी अभियान चल रहा है। तीसरी खबर की ओर चलते बता दें, दरोगा भर्ती धांधली में निलंबित हुए 2015 बैच के 20 दरोगाओं को एक साल बाद मंगलवार शाम को पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर जेलों के कप्तानों ने बहाल कर दिया है। पिछले साल जनवरी में सभी को निलंबित किया गया था। इनमें से पौड़ी में तैनात दरोगा पुष्पेंद्र की सड़क हादसे में मौत हो चुकी है। चौथी खबर की ओर चलते बता दें, देश भर में 11 करोड़ से अधिक की साइबर ठगी में शामिल रहे एक और हवाला एजेंट को साइबर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ देश भर में 167 मुकदमे और करीब 3000 शिकायतें साइबर क्राइम पोर्टल पर दर्ज है। वह सिम कार्ड और खातों के विवरण दुबई में अपने अकाउंट को भेजता था। उससे फर्जी पासपोर्ट, डेबिट कार्ड, नकदी और कुछ अन्य दस्तावेज बरामद हुए हैं। और आखिरी खबर की ओर चलते हुए बता दें, ऋषिकेश में परिवहन विभाग की ओर से सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा, जन जागरूकता कार्यक्रम के तहत श्री भरत मंदिर इंटर कॉलेज में कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र और छात्राओं को पोस्टर, बैनर, पैम्पलेट और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की मदद से यातायात व सड़क सुरक्षा नियमों की जानकारी दी गई। ऐसी उत्तराखंड की तमाम जानकारी के लिए जुड़े रहे पब्लिकेशन न्यूज से। नमस्कार।